बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास के 10th जनरल मैथ यूनिट नंबर आपका 2 है और एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे 2.4 और लेक्चर नंबर आपका 12 है। और हमने जो एक्सरसाइजेस कर रहे थे वही याद होगा, अलजबरा है। अलजबरा को हमने फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे स्क्वायर के, और कभी स्क्वायर पॉजिटिव में कभी स्क्वायर नेगेटिव में, और उनकी मदद से हमने सॉल्व कर रहे थे, फैक्टराइज कर रहे थे, रीसॉल्व कर रहे थे। आज 2.4 में हमने एक्सरसाइज में करना है फैक्टराइज ही, लेकिन आज क्यूब को करेंगे, यानी आपका वेरिएबल क्यूब में होगा, स्क्वायर में नहीं होगा। और जब हम क्यूब में करेंगे तो आपका फॉर्मूला किस तरह ओपन होगा उसको भी आप याद करेंगे। याद कुछ इस तरह करेंगे, जब आप पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपको ये खुद बहुत ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको फॉर्मूला दिखाती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो आपने a और प्लस b को वन टाइम लिखना, और उसका होगा सेकेंड जो ब्रैकेट होगी उसमें a का स्क्वायर माइनस ए बी और b का स्क्वायर। और अगर यही सेम हो a क्यूब लेकिन माइनस का साइन हो और b क्यूब, तो आपका ये माइनस a माइनस b जो आपका ब्रैकेट में होगा वो माइनस में आ जाएगा, लेकिन ये सारी वैल्यूज सेम टू सेम है लेकिन पॉजिटिव में, ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। और फिर है आपके पास, अगर आपका ए और बी का होल क्यूब हो तो आप ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यानी ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। अगर आपका यही सेम चीज़ होगी तो आपका वैल्यू ए माइनस बी होल क्यूब में सेम वैल्यूज है, लेकिन यहाँ पर सेकेंड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू नेगेटिव होगी। ए क्यूब होगा और थ्री ए स्क्वायर बी, ये वाली वैल्यू नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव की पॉजिटिव ही होगी जो कि थ्री ए बी स्क्वायर, लेकिन बी क्यूब जो होगा वो माइनस होगा। ठीक है, इसको फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबाइन करके ए और ए प्लस बी और क्यूब, यानी ए होगा और प्लस होगा तो यहाँ पे सारे के सारा फॉर्मूले में प्लस होगा, और अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये सारा का सारा नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे ए क्यूब अगर प्लस है तो प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट ए प्लस फिर बी और ब्रैकेट क्लोज और प्लस ए क्यूब, और अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो ये ए क्यूब प्लस ही होगा, ये नेगेटिव हो गई और थ्री ए बी और इवन कि आपके ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो तब ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और इसी तरह, यानी इन फॉर्मूलाज को, इन दोनों फॉर्मूलाज को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। लेकिन आपकी एक्सरसाइज में ये फर्स्ट फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 ज़्यादा मोस्टली यूज हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हो, आपका क्वेश्चन वही है, फैक्टराइज करने हैं आपने। यहाँ पे 8 में 2 3 टाइम्स आता है, तो मैंने 2 एक्स और होल क्यूब कर दिया माइनस वाई होल क्यूब, ताकि आपकी ये वाली फॉर्म बन जाए, ये वाली नेगेटिव वाली। तो उसके मुताबिक आपने जो आपकी पहली वेरिएबल है उसकी बेस, सेकंड वेरिएबल की बेस, और फर्स्ट वेरिएबल जो कि 2x है उसका स्क्वायर, फिर आपने पॉजिटिव के साथ इन दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है और प्लस, और लास्ट जो सेकंड आपका है उसका भी स्क्वायर। ये तो एज इट इज़ था, इसको क्योंकि इन दोनों वैल्यूज के स्क्वायर लेने थे वो ले लिए, 4x स्क्वायर इन्हें मल्टीप्लाई करना था 2xy और y स्क्वायर। ठीक है, आपने सारी की सारी एक्सरसाइज इसी तरह करनी है, बस आपने ये देखना है कि आपके पास जो वेरिएबल होगा या कोई नंबर होगा तो उसमें कौन सी वैल्यू या कौन सा नंबर 3 टाइम्स आएगा। 27 में 3 टाइम्स है तो 3x क्यूब प्लस 1 क्यूब, ये आपका पॉजिटिव का फॉर्मूला बन गया। ये 3x प्लस 1 पॉजिटिव में आया, 3x का स्क्वायर नेगेटिव आना था, 3x 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और बस इसकी वैल्यू को चेंज करना है नेक्स्ट स्टेप में, तो 3x प्लस 1 9x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1। ठीक है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये आपकी एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस 3 4 3, आपको ये याद समझ तो नहीं होगा लेकिन मैंने इसकी फैक्टराइजेशन इस ग्रीन पे कर दी है, ये आपका रफ वर्क भी है, और अगर आपको याद नहीं है तो आपने इसे क्वेश्चन में इंक्लूड कीजिएगा। ठीक है, और यकीनन फैक्टर ये याद तो नहीं होते, स्क्वायर्स भी बहुत मुश्किल से याद होते हैं, ये तो क्यूब है, तो इसलिए आपने ये अपने उसमें सॉल्यूशन के हिस्से में काउंट कीजिएगा इसे।
थ्री सेवन के टेबल में 28 आया, 28 में से 37 माइनस किया तो 34 को, 34 में से 28 को माइनस किया तो यहाँ पे 6 आया, 6 और 3 63 हुआ, तो 7 9 जा 63। अब 49 तो आपको मालूम होगा 7 जा और 7, तो दैट मीन्स क्या इसमें 343 में 7 3 टाइम्स आए, तो 7x और क्यूब लिख लिया, तो आपका फॉर्मूला अप्लाई हो गया 1 माइनस 7x, 1 स्क्वेयर प्लस, क्योंकि नेगेटिव था तो ये प्लस है 1 और x 7x और प्लस x 7x का स्क्वेयर। तो अगले स्टेप में आपने इस स्क्वेयर का स्क्वेयर ले लिया जो कि 1 माइनस 7x, 1 प्लस 7x प्लस 449x स्क्वेयर। तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सवाल काफ़ी आसान है। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में ए क्यूब बी क्यूब प्लस 512, अब 512 के फैक्टराइजेशन कर दिए, उसे 2 से फैक्टराइज किया तो आपके पास क्या हुआ, ये 2 के 3 पेयर्स बन गए, इस 2 के भी 3 पेयर्स बन गए, इस 2 के भी 3 पेयर्स बन गए, तो दैट मीन्स के 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, दैट मीन्स के 8 का क्यूब है 512। यहाँ पे मैंने इतनी फॉर्म कर दी और बाद में लिख दिया डू शोर सेल्फ, दैट मीन्स कि ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप आप खुद कीजिएगा। ये ना समझिए कि यहाँ पे ये सवाल ख़त्म हो गया, इससे नेक्स्ट 2 स्टेप्स यानी मैंने आपको फर्स्ट स्टेप कर दिया है और सेकंड और थर्ड स्टेप, यानी आपने फॉर्मूला खुद से अप्लाई करते जाइएगा। मैंने आगे बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह कर दिए कि आपको फैक्टराइज तो कर दिया है लेकिन आपने उसमें फॉर्मूला खुद अप्लाई करना है। जैसा कि मैंने आपको बोला था मैंने आपको फैक्टराइज कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5 में 27 आपको मालूम है 3 का क्यूब होता है और 1000 आपका 10 का क्यूब है, तो इस फॉर्म में बना दिया मैंने आपको। अगर आपने उसका स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 आपको खुद करना है। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में भी 27 आपको मालूम है 3 और एक्स क्यूब कम्बाइन कर दिया और 64 आपका 4 का होता है, 4 4 16 और 16 4 64 होता है, तो ये 4x³ कर दिया आपने, इस पर फॉर्मूला खुद अप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आसान है, एक्स और वाई उन्होंने सेपरेट लिखे जबकि मैंने अगले स्टेप में कंबाइन करके लिख दिया, ये आपका एक्स और वाई एक वेरिएबल हो गया और जेड आपका एक लैदा वेरिएबल हो गया, इस पर फॉर्मूला आपने खुद अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 8 वहाँ पर आपके पास 2 वैल्यूज हैं 216p³ और -343। 343 को अभी आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में किया था तो मैंने इसे दोबारा नहीं किया, जबकि 216 था उसकी फैक्टराइजेशन किया, उसे 2 से करती गई, 2 के 3 नंबर्स आए और 3 के भी 3 नंबर्स आए, तो दैट मीन्स के 2 × 3 = 6, तो ये 216 जो है वो असल में आपके 6 का क्यूब है, तो यहाँ पे 6p³ लिखा हुआ है, -7³ है, बाकी आपने इस पर फॉर्मूला खुद अप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने खुद कर दिया इसलिए क्योंकि इसमें आपके पास 1/27 यानी फ्रैक्शन आ गई, तो मैंने कहा मैं खुद कर दूँ, तो 8 है आपका 2 का क्यूब 2x³ माइनस और 27 आपको मालूम है कि 3 का क्यूब है, तो उसे मैंने 1/3³ लिखना है, तो 1/3 उसका होल क्यूब, तो फॉर्मूला वैसे ही अप्लाई होगा 2x - 1/3, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो अगली वैल्यूज क्यूब में होगी, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर जो कि 4 2x और स्क्वायर है, पहली वैल्यू 2x और सेकंड वैल्यू 1/3 मल्टीप्लाई हुई है, फिर प्लस सेकंड वैल्यू 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे बाकी इसको सॉल्व करेंगे, पहली ब्रैकेट वैसी है 2x - 1/3, 4x² प्लस 2 और x और 1/3 को मल्टीप्लाई किया तो 2/3x और इसका स्क्वायर ले लिया तो 1/9 स्क्वायर आएगा, स्क्वायर तो 1/9 एज इट इज़ आएगा और आपका क्वेश्चन नंबर 9 मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपके डिफरेंट हैं लेकिन एक जैसे हैं, तो मैंने उन्हें इकट्ठा लिखा हुआ है, वो से देखें यहाँ पे लिखा हुआ है a³ + b³, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जबकि यहाँ पे a + b जो है वो मैंने सेपरेट ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया a + b a² - ab + b² और अगर इस स्टेप में देखें तो ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट, इसे मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा था ताकि आपको नज़र आए कि ये बी कॉमन हो सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसे कॉमन किया a + b, अब यहाँ से ये रह गया a² - ab और +b², यहाँ पे a² - ab + b² इधर से आया, अब यहाँ पे वैल्यू क्यों हमने कॉमन ले ली
तो यहाँ पे वन हमने रिप्लेस करना है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू वन थी तो वहाँ पे वन आ गया और आपका क्वेश्चन नंबर 10 मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 सेम वैसे ही है लेकिन उन्होंने आपके ये वाले पार्ट और नेगेटिव वाला पार्ट है तो इसे बाद में लिखा हुआ है। ए माइनस बी इसे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया और उसके बाद आपकी ये वाली जो वैल्यू यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो आपका माइनस कॉमन हुआ तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो गई और ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो गई और यहाँ पे नेगेटिव क्यूब का फॉर्मूला लगेगा यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब नेगेटिव वाला अप्लाई होगा। ए माइनस बी एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे, अब मैंने इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जो कि है ए माइनस बी। अब ये नेगेटिव है तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये पॉजिटिव हो गए। अब ये वाली दोनों ब्रैकेट्स कॉमन है, ये कॉमन लिया तो यहाँ से वन और यहाँ से माइनस के बाद ये सारी की सारी ब्रैकेट रहती है। अब मैंने ये माइनस अगले स्टेप में अप्लाई कर दिया तो ए माइनस बी ब्रैकेट वन माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर और ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हुआ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है एक्स माइनस एट एक्स वाई क्यूब, तो यहाँ पर वाई क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें ये एक्स एक्स्ट्रा लग रहा है। एक्स को कॉमन लिया यहाँ पर आ गया वन माइनस एट और वाई क्यूब, एट भी क्यूब है वन का भी क्यूब कर सकेंगे और हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा वन क्यूब माइनस टू वाई और होल क्यूब। तो यहाँ पे अप्लाई कर दिया फॉर्मूला जो कि एक्स वैसे ही हमने कॉमन लिखा हुआ था वन माइनस टू वाई, वन प्लस टू वाई जो कि दरमियान की वैल्यू थी और यहाँ पे टू वाई का जो स्क्वायर था वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया फोर वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें एक्स की पावर भी 12 है और वाई की पावर भी 12 है, तो मैंने उनके दरमियान में नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन का फ़ायदा उठाते हुए मैंने यहाँ पे इसको ब्रेकअप कर दिया पावर को और पावर को स्क्वायर में ले गई यानी एक्स सिक्स की पावर स्क्वायर माइनस वाई सिक्स पावर स्क्वायर। और यहाँ पर नेगेटिव का साइन दरमियान में और पावर स्क्वायर में आने का फ़ायदा हुआ कि हम इन वेरिएबल्स को वन टाइम नेगेटिव में और वन टाइम पॉजिटिव में लिखा है। सिक्स एक्स की पावर सिक्स वाई की पावर भी सिक्स और इसी तरह यहाँ पे एक्स की पावर सिक्स प्लस वाई की पावर सिक्स। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे मैंने क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई इसको फिर मैंने पावर्स को ब्रेक किया है और यहाँ पे मैंने ये जो पॉजिटिव में था क्योंकि पॉजिटिव साइन था इसे आप बिल्कुल ब्रेक नहीं कर सकते तो मैंने इसकी स्क्वायर अंदर और क्यूब बाई वाई का भी स्क्वायर अंदर और क्यूब बाई यानी यहाँ पे मैं क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करने लगा। लेकिन यहाँ पर मुझे नेगेटिव का साइन आया तो मैंने एक बार फिर ऐसे किया कि आपकी ब्रेकअप कुछ इस तरह किया कि थ्री को अंदर रख के स्क्वायर बाई रखा, वाई का भी क्यूब अंदर रखा और स्क्वायर बाई रखा, स्क्वायर बाई रखा नेगेटिव साइन था फिर एक दफ़ा पॉजिटिव पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव में सेम वेरिएबल्स को लिखा गया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक्स की पावर क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक दफ़ा क्यूब के फिर दो दफ़ा हमारे पास फॉर्मूला आ गए। यहाँ पे क्योंकि हमने क्यूब बाहर रखा था तो क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बेस लिखी हुई पॉजिटिव के साइन के साथ और वहाँ पर उसकी पावर नेगेटिव साइन और यहाँ पे उसके स्क्वायर लिख लिया ब्रैकेट ही मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट स्क्वायर। और यहाँ पे क्योंकि ये क्यूब के फॉर्मूले बनने के थे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव यहाँ पे भी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स प्लस वाई और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये क्योंकि वाई से था एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे टू टू वेरिएबल्स वाले ब्रैकेट्स को पहले लिख दिया और थ्री थ्री वेरिएबल्स वाले ब्रैकेट्स को बाद में लिख दिया तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर इसी तरह इनके क्यूब्स को भी जो फॉर्मूले थ्री टर्म्स वाली वैल्यूज थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर स्क्वायर। बस इसको और इस स्टेप में बस चेंजिंग यही है कि आपकी टू टर्म्स वाली ब्रैकेट्स पहले लिखी गई हुई हैं और थ्री टर्म्स वाली ब्रैकेट्स को बाद में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है वन माइनस 64 पी का भी क्यूब और क्यू का भी क्यूब, वन क्यूब लिख दिया मैंने माइनस 64 की जगह फोर क्योंकि 64 फोर का क्यूब है पी और क्यू होल क्यूब और जैसे ही ये फॉर्मूला बन गया तो मैंने ये
यहाँ पे लिखा हुआ है डू योर सेल्फ, बाकी आपके नेक्स्ट टू स्टेप्स आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत आसान है, 1 + 64 ही था, 4 और यू था, मैंने फिर भी आपके ये कर दिया, थोड़ा सा स्टार्टिंग कर दी, आपने इसमें क्यूब का फॉर्मूला खुद अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, 8x³ - 6x - 9y + 27y² अब मैंने यहाँ पे भी क्यूब नज़र आ रहा था वाई क्यूब, और यहाँ पे भी एक्स क्यूब नज़र आ रहा था, मैंने इन दोनों के वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख दिया और इन्हें बाद में लिख दिया। अब 8 2 का क्यूब है तो 2x होल क्यूब लिख दिया, और 27 3 का क्यूब है तो 3y और होल क्यूब लिख दिया, और यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिख लिया तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रह गया 2x और पॉजिटिव वैल्यू होगी क्योंकि नेगेटिव भी बाहर आ गया तो 3y। अब ये वाला तो सॉल्व हो गया, अब यहाँ पे क्यूब के क्यूब की सिचुएशन में लिख दिया था तो 2x + 3y, फिर 2x² - 2x 3y, और 3y² और ये वाली वैल्यू उसके बाद ब्रैक एज इट इज लिख दी। अब वहाँ पे जो स्केयर्स लिए हुए थे और 2x क्या, वो यहाँ पे 4x लिख दिया, 2x और 3y ने मल्टीप्लाई होना था तो -6xy लिख दिया, और 9 3y का स्केयर होना था तो यहाँ पे 9y² लिख दिया, और ये आपकी वही सेकंड ब्रैकेट एज इट इज। अब ये वाली ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को गौर से देखें तो ये कॉमन हो रही है, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में ये कॉमन लिखा, आपके यहाँ पे ये जो ब्रैकेट लिखी हुई है वो 4x - 6xy + 9y² और यहाँ से 3 आ गया तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, y³ + 125 क्योंकि 5 का क्यूब था, इस फॉर्म में बनाने के बाद ये आप पर छोड़ दिया कि आगे से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें 9 की पावर x की पावर 9 है और y की पावर भी 9 है, तो मैंने इसे ब्रेक किया x³ और फिर क्यूब और फिर y³ और फिर क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लग गया। इसे हमने मज़ीद सॉल्व इसलिए नहीं कर सकेंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं है, और वैसे भी आगे ये दोनों की दोनों जो पावर्स हैं वो ऑड पावर्स हैं, इवन पावर्स नहीं थे, तो इसलिए कुछ भी नहीं हम फैक्टराइज कर सके, तो इसलिए एज इट इज़ इसका फॉर्मूला x³ + y³ और यहाँ पे इसका स्क्वायर जो कि 6 हो गया, ये x³ y³ एज इट इज़ आया, इसका क्यूब स्क्वायर लिया तो x³ हो, क्योंकि ये वाली जो आपकी पावर है वो ये भी क्यूब में जा रही थी तो यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया x + y² + x² + y², इसको सॉल्व किया और ये एज इट इज़ लिखा x³ + 3xy³ + y² 6। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर आप गौर से देखिए n⁻⁶ और माइनस और n⁻⁶ है, एक तो नेगेटिव साइन है दरमियान में और उनकी जो पावर्स हैं वो इवन में है, यानी इसमें से स्क्वायर निकाला जा सकता है, तो मैंने m³ + n³ और फिर स्क्वायर। अब क्योंकि स्क्वायर ले आई हो और नेगेटिव साइन था तो फिर एक दफ़ा उसे नेगेटिव में और बेस को और एक दफ़ा उसे पॉजिटिव में लिख दिया, तो यहाँ पे भी क्यूब का फॉर्मूला है नेगेटिव वाला, यहाँ पे भी क्यूब का फॉर्मूला है पॉजिटिव वाला, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला लिख दिया, यहाँ पे पॉजिटिव वाला लिख दिया, और बाद में 2 टर्म्स को शुरू में और 3 टर्म्स को बाद में लिख दिया, और क्वेश्चन नंबर 19 आपका इस तरह मुकम्मल हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे, 64x⁻⁷ - x⁻⁶। तो यहाँ पर थोड़ा x की पावर की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है तो मैंने एक x कॉमन ले लिया तो 64 और x की पावर यहाँ पे भी 6 हो गई, और यहाँ पे जो x ज़्यादा था वो भी बाहर निकल गया और a की पावर भी 6, यानी पावर्स भी सेम हो गई, तो नेगेटिव का साइन था, पावर्स इवन में थी, तो मैंने उसको इस तरह ब्रेक किया कि 3 अंदर और 2 बाहर रहने दिया, 3 अंदर और 2 बाहर, क्योंकि मैंने 2 कॉमन लिया था तो इसलिए इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह हुई कि 64 में 8 2 टाइम्स आता है, तो इसलिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ क्योंकि ये स्क्वायर में अभी डिवीजन नहीं हुई है, तो जब स्क्वायर में लिखा तो एक दफ़ा 8x³ - a³ नेगेटिव में हो और इसी तरह एक दफ़ा पॉजिटिव में, अब आपकी ये क्यूब क्यूब का फॉर्मूले बन गया है, तो क्यूब के फॉर्मूले की वजह से हमने इसे 8 को 2 में कन्वर्ट किया है क्योंकि 8 आपको मालूम होगा 2 का
क्यूब था तो 2x क्यूब माइनस ए क्यूब और आपके ये वही वन बन के, इसी तरह आपका 2x क्यूब प्लस ए क्यूब आपके क्यूब के फॉर्मूले बने। तो आपने एक दफ़ा नेगेटिव की तरह और एक दफ़ा पॉजिटिव की तरह खोला है और फिर बाद में उसमें टू टर्म्स को पहले और थर्ड टर्म्स को बाद में लिखना है और x आपका बाहर भी देगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, एक्स क्यूब माइनस 27 और ए क्यूब, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 सेम वैसे बस पॉजिटिव में है और इसकी फैक्टराइजेशन में हमने इतना मैंने आपको करके दे दिया कि आप इसकी फैक्टराइजेशन भी खुद से करेंगे और बाकी सवाल भी मुकम्मल करेंगे। उसके बाद से मैं आपको एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने लगी हूँ। ये एक्सरसाइज आपकी 2.5 है और 2.5 के क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक गौर से देखिए, लिखा हुआ है एवेलुएट ईच ऑफ द पॉलीनोमियल फॉर द वैल्यू इंडिकेट। यहाँ पे आपके पॉलीनोमियल लिखी हुई है और यहाँ पे पी की वैल्यू हमने ए 2 मालूम करनी है। और ये अगर आपको वो से क्वेश्चन मैंने आपको दिखा रही हूँ, आपको नज़र आ रहे हो, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, बिल्कुल सेम टू सेम वही है। आपके पास पॉलीनोमियल्स हैं और आपने पॉलीनोमियल्स के हिसाब से उनको वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे और आंसर लाएंगे। मैंने एक्स का क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोर्ड पर कर दिया है और उसके बाद आपका सेकेंड पार्ट है वो भी देख लें और समझ लें, जो कि लिखा हुआ है डिटरमाइन वेदर द सेकेंड पॉलीनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द फर्स्ट पॉलीनोमियल विदाउट डिवाइडिंग। ठीक है, यानी आपकी ये पहली पॉलीनोमियल है और ये सेकेंड पॉलीनोमियल है और आपने इसे डिवाइड किए बगैर बताना है कि आप इसका ये वाला पॉलीनोमियल इसे डिवाइड कर सकता है कि नहीं। उन्होंने हिंट में लिखा हुआ है एवेल्युएट डायरेक्टली यूज द फैक्टर थ्योरम। अब ये फैक्टर थ्योरम क्या है ये भी देखते हैं और समझते हैं। ये पेज नंबर 50 उस पर आपको नजर आएगा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या लिखा हुआ है, इफ द पॉलीनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस ए, यानी आपकी जो सेकेंड टर्म होगी जो भी है पॉलीनोमियल वो एक्स माइनस ए, यानी एक्स के बाद कोई भी वैल्यू हो वो नेगेटिव के साथ हो, और सच दैट कि हम उसी ए को उस पॉलीनोमियल में अप्लाई करें तो उसका आंसर ज़ीरो हो। जैसे ये मेंशन है पॉलीनोमियल ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, देन हम कहेंगे कि ये जो है एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक है, और अगर ए एक्स माइनस ए फैक्टर है उसका तो ए इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलीनोमियल। इसके नीचे एग्जाम्पल लिखी हुई है वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ, समझा देती हूँ। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि पॉलीनोमियल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और एक्स माइनस जो ए है वो आपकी एक्स माइनस 1 की वैल्यू है। ये आपके पास एक्स माइनस 1 की वैल्यू दी हुई थी, उसे हमने x माइनस ए के बराबर किया तो a की वैल्यू पॉजिटिव आई और हमने वो a की पॉजिटिव वैल्यू उसको पॉलीनोमियल में अप्लाई किया तो आप आंसर ज़ीरो हो गया। और जैसे ही पॉलीनोमियल ऑफ 1 ज़ीरो हुआ तो हमने कहा बाय द फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 भी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू शो द x माइनस 1 इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर में 3 भी आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू शो दैट द एक्स माइनस 1 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ दिस, कि अगर हम फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करें तो ज़रूरी नहीं कि वो पॉलीनोमियल को फैक्टर भी बन जाए। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 दिखा रही हूँ, लेट पॉलीनोमियल दिया हुआ है 4x की पावर 7 माइनस 2x की पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। वो इसी तरह हम x माइनस ए को x माइनस 1 के हिसाब से किया तो a की वैल्यू 1 आई, 1 की वैल्यू अप्लाई की तो आपका आंसर जो आ रहा है वो 10 आ रहा है, दिस इज़ नॉट ज़ीरो। और जब वो आंसर ज़ीरो नहीं होगा तो हम कहेंगे कि बाय द फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ द पॉलीनोमियल। इज इट क्लियर कि हमने जब इसको अप्लाई करना है तो ये ज़ीरो होगा तो फैक्टर होगा, अगर ज़ीरो ना हुआ तो आप इसे बोलेंगे कि ये फैक्टर नहीं है। इज इट क्लियर। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। अब आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था कि वैल्यूएट करना है, आपके पास पॉलीनोमियल गिवन है और पॉलीनोमियल को उसमें एक्स की वेरिएबल की पावर 2 देंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको समझा दिया, एक दफ़ा कर भी दिया, पॉलीनोमियल है 2x की पावर क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस माइनस 7 और यहाँ पे एक्स की वैल्यू को 2 के साथ रिप्लेस करना है, रिप्लेस कर दिया
फिर 2^3 8, 2^2^4, और फिर इसके बाद ब्रैकेट्स को ओपन किया तो यहाँ पे 16 - 20 + 14 - 7 पॉजिटिव वैल्यूज को प्लस किया तो 13, नेगेटिव वैल्यूज को माइनस प्लस पहले के दिया तो -27 और माइनस हुआ तो पॉलिनोमियल ऑफ 2 3 के बराबर है। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सारे ऐसे के ऐसे हैं जो बिल्कुल एक्सरसाइज 1.1 से मिलते हैं, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको पढ़ के भी बताया था कि आपने पहला पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किए बगैर बताना है कि उसका फैक्टर क्या है और बाय द फैक्टर थ्योरम। आपके पास ये सेकंड पॉलिनोमियल जो कि हमने लेट करना है एक्स माइनस ए के बराबर होना चाहिए, यहाँ पे ए की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए जबकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, और ए तो फिर ए का वैल्यू दैट मीन्स के नेगेटिव 1 के बराबर है। ठीक है, हमने नेगेटिव 1 की वैल्यू को यहाँ पर पॉलिनोमियल में अप्लाई किया तो -1^2 आपकी 18 है, और जब भी नेगेटिव की वो पावर इवन की होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो 1 - 1 0 हो गया। तो हमने क्या कहना है, बाय द फैक्टर थ्योरम एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स जो कि एक्स 18 - 1 है। और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 18 तक बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे है, और आपने ये याद रखिएगा अगर वो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा तब आपने कहना है कि फैक्टर है, अगर वो 0 ना हो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जैसे कि एग्जांपल नंबर 3 मैंने आपको दिखाई थी उसी तरह फिर आपने यहाँ पे लिख देना इज नॉट फैक्टर। ठीक है, परेशान नहीं होना कि ये 0 क्यों नहीं आया, 0 आएगा तो बोलेंगे फैक्टर, 0 नहीं आया तो नहीं बोलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है और वो है आपके पास इफ़ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे जो के की वैल्यू इसे फाइंड करना है जबकि उन्होंने क्वेश्चन में दिया है इफ़ द रिमाइंडर इज 8। आपने एक के की वैल्यू फाइंड करेंगे कि अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इसका आंसर 0 की बजाय 8 आना चाहिए। ठीक है, मैंने पॉलिनोमियल ऑफ ए ले लिया पहले तो इसको इक्वल किया, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है तो दैट मीन्स के की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉलिनोमियल ऑफ ए के हिसाब से लिखा तो 1 - 1^3 - 3 - 5। ठीक है, क्योंकि ये 1 था तो यहाँ पे 1 आ गया, के साथ 1 ही मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैंने के लिख दिया, 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा था तो 3 ही लिख दिया, और 5 अभी इन सबको प्लस किया तो ये 9 हो गए, 9 - k, और इधर यहाँ पे 8 की वैल्यू रिमाइंडर ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो आपके ये k क्योंकि नेगेटिव था मैं इसे दूसरी साइड पर लेफ्ट साइड पर ले गई और लेफ्ट साइड का ये जो 8 था इधर लेके आके माइनस कर दिया तो k की वैल्यू 1 है। अगर k की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी और आप a अप्लाई करेंगे 1 तो आंसर 0 की बजाय 8 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम इसी तरह है कि उन्होंने कहा हुआ है कि आपने पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो कि 3x³ + kx - 27, आपने k की वैल्यू को फाइंड करना है जबकि यहाँ पे जो आपके फर्स्ट फैक्टर गिवन है वो x - 2 है और रिमाइंडर यहाँ पे 0 गिवन है। तो हमने उसे लेट किया x - a, यहाँ पे दोनों नेगेटिव थे और इसलिए a की वैल्यू आपकी 2 आ गई। अब आपने इस 2 को पॉलिनोमियल में अप्लाई किया तो जहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे 2 लिख दिया, 3 2x³ + k² + 26, 2 का जो क्यूब होता है वो 8, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 24, और यहाँ पे 2k - 26 में से 24 को माइनस किया तो आंसर आपका -2 आ गया, और 2k तो आप कहते हैं क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू हो तो मैंने दूसरी साइड पर इसे चेंज कर दिया तो 2k इसी साइड पर रह गया और 2 दूसरी साइड पर जाके पॉजिटिव हो गया। अब मैंने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस 2 को भी दूसरी साइड पर जाके डिवाइड कर दिया, और जब ये डिवाइड हो गया तो 2 में से 2 डिवाइड कटिंग हुई तो k की वैल्यू इसकी भी वही है। और इसका ये है कि अगर हम k की वैल्यू यहाँ पे 1 अप्लाई करते हैं तो a की वैल्यू 2 यानी वेरिएबल 2 को अप्लाई करते हुए आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो 0 होगा, और इसके साथ ही आपकी 2.5 मुकम्मल हो गई। और आपने ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए दिए हैं आपने इनको भी कॉपी से करना है और नीट कॉपी स्कोप में जो सवाल मैंने लिखे हैं वो भी करने हैं, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके सवाल आपको उतने ही बेहतरीन होते जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।